पिल्ले माने आज आम पढ़ा सप्तम श्रेणी सरस्वती शिशु मंदिर बहर मानसांग बहर सप्तम श्रेणी मानसांग बहर पाठ षोह घनफल यही विषय अभ्यास कार्य आज आम आलोचना करवा देखा पाठ्यपुस्तक अंतर्गत प्रश्नवल उत्तर एक नंबर प्रश्न गोटे समघन धारण दैर्घ्य तीन गुण बढ़िले यार आयतन पूर्व आयतन रत गुण हे देख उत्तर मन कर समघन धारर दैर्घ्य के एक्स एकक आयतन एक्स क्यू एकक यार धारर दैर्घ्य तीन गुण बढ़िले हे एक्स प्लस थ्री एक्स इक्वल टू फोर एक्स आयतन के फोर एक्स र्यू इक्वल टू सिक्सटी फोर एक्स क्यू घन एकक बुझेगा पूर्व आयतन यह सिक्सटी फोर एक्स क्यू बै एक्स क्यू इक्वल होगा सिक्सटी फोर गुण हे बुझेगा दु नंबर गोटे समघन धारर दैर्घ्य अधा कमीगला तेज यार आयतन पूर्व आयतन रत अंश हे उत्तर मन कर समघन धारर दैर्घ्य टू एक्स एकक अत घनफल कैसे टू एक्स र्यू इक्वल टू एट एक्स क्यू घन एकक यार धार अधा कमीगले हे टू एक्स माइनस एक्स इक्वल टू एक्स तेज आयतन कैसे एक्स क्यू घन एकक एक्स क्यू घन एकक यह पूर्व आयतन रहा एक्स क्यू बै एट एक्स क्यू इक्वल टू वन बै एट अंश बुझेगा तीन नंबर प्रश्न गोटे समघन पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल चौसठ वर्ग सेंटीमीटर यार समग्र पृष्ठतल तले क्षेत्रफल के उत्तर समघन पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल चार गुण प्रत्येक बहुर दैर्घ्य वर्ग इक्वल टू होगा चौसठ वर्ग सेंटीमीटर देख बाहर दैर्घ्य स्क्वायर के चौसठ बै चार वर्ग सेंटीमीटर षोहटा है वर्ग सेंटीमीटर समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल के छ गुणन बाहर दैर्घ्य स्क्वायर एक छ गुणन षोह वर्ग सेंटीमीटर ताल उत्तर हो गला छयानबे वर्ग सेंटीमीटर बुझेगा चार नंबर प्रश्न गोटे समघन समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल शहे पचास वर्ग मीटर यार भूमि क्षेत्रफल ताल के उत्तर समघन समपृष्ठतल क्षेत्रफल छ गुणन बाहर दैर्घ्यर वर्ग इक्वल टू शहे पचास वर्ग सेंटीमीटर इम्प्लाय दैट बाहर दैर्घ्यर वर्ग इक्वल टू शहे पचास बै छ वर्ग सेंटीमीटर बुझेगा तेल ये जो पचीस सेंटीमीटर जोटा कि भूमि क्षेत्रफल पचीस वर्ग सेंटीमीटर पाँच नंबर प्रश्न गोटे आयत आयत घनाकार बाक्सर बाहर दैर्घ्य कोड़े सेंटीमीटर प्रस्त दस सेंटीमीटर उच्चता पचीस सेंटीमीटर यार बाहर पाख रंग कले केते वर्ग मीटर रंग ताले करा जीव उत्तर आयत घन समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल के दुई गुणन दैर्घ्य गुणन प्रस्थ प्लस प्रस्थ गुणन उच्चता प्लस उच्चता गुणन दैर्घ्य कौन दुई गुणन कोड़े गुणन दस प्लस दस गुणन पचीस प्लस पचीस गुणन कोड़े वर्ग सेंटीमीटर तेल दुई गुणन दुईश प्लस दुईश पचास प्लस पाँच वर्ग सेंटीमीटर दुई गुणन नौश पचास वर्ग सेंटीमीटर इक्वल टू होगा उन्नीस वर्ग सेंटीमीटर बुझेगा अत उन्नीस वर्ग सेंटीमीटर रंग कर उन्नीस वर्ग सेंटीमीटर रंग कर छ नंबर प्रश्न एक पानी टांगी वर्गाकार भूमि बाहर दैर्घ्य दुई मीटर यार उच्चता केते हेले एथिरे छठी हजार लिटर पानी रही पार उत्तर षाठी हजार लिटर सॉरी छ हजार लिटर पानी धरे छ घन मीटर स्थान में अत जलर गभीरता के छ बै दुई गुणन दुई मीटर यहाँ के वन पॉइंट फाइव मीटर बुझेगा सत नंबर गोटे पानी टांगी भूमि दैर्घ्य तीन मीटर प्रस्त एक दशमिक पाँच मीटर एथिरे नौ हजार लिटर पानी रही पारे पानी टांगी तेल गभीरता के उत्तर नौ हजार लिटर पानी रही नौ घन मीटर स्थान में अत पानी टांगी घनफल के नौ घन मीटर तेल जलर गभीरता के घनफल बै दैर्घ्य गुणन प्रस्थ एक नौ बै तीन गुणन एक दशमिक पाँच मीटर होगा तीन बै एक दशमिक पाँच एक तीस बै पंदर मीटर जोटा कि होगा कटिक उठाई दुई मीटर बुझेगा आठ नंबर गोटे समघनाकार पानी टांगी में शहे पचीस किलोमीटर पानी रही पारे यार प्रत्येक बाहर तेल दैर्घ्य के शहे पचीस किलोमीटर माइनस सरी शहे पचीस किलोमीटर इक्वल टू शहे
25,000 लिटर तेल से 25,000 लिटर पा रेत 125,000 बै 100 घन मीटर स्थान में अतएव कुंडर घनफल के 125 घन मीटर तेल कुंडर घनफल अतएव यार बाहर दैर्घ्य के 125 रोट भर रन तेल 5 मीटर हो गला बुझेगा ना। देख नौ नंबर गोटे समघन आकार पा टांगी 206 लिटर पा रही पारे यार प्रत्येक बाहर दैर्घ्य ताल के उत्तर 216 लिटर पा रही 216/1000 घन लिटर स्थान में तेल अत्य समघन घनफल के 216/1000 यार बाहर दैर्घ्य के 216/1000 रुट भर रहा 3 मीटर तेल हो गला 6/10 मीटर जोटा कि 0.6 मीटर। 10 नंबर प्रश्न 2 मीटर दैर्घ्य 1 मीटर उच्च 5 मीटर ओसार विशिष्ट एक ईटा कांथ करने 20 सेंटीमीटर लंब 10 सेंटीमीटर ओसार और 5 सेंटीमीटर उच्च विशिष्ट केते खंडा ईटा आवश्यक उत्तर कांथर घनफल 2 मीटर गुण 1 मीटर गुण 0.5 सेंटीमीटर तेल गोटे ईटार घनफल के 20 सेंटीमीटर गुण 10 सेंटीमीटर गुण 5 सेंटीमीटर अतः ईटा आवश्यक 2 मीटर गुण 1 मीटर गुण 0.5 मीटर तेल के 20 सेंटीमीटर गुण 10 सेंटीमीटर बै 5 सेंटीमीटर तेल के 200 × 100/50 बै 20 × 10 × 5 तेल 10 × 10 × 10 का 1000 खंड। 11 नंबर प्रश्न गोटे आयताकार पोखरी दैर्घ्य 25 मीटर और प्रस्त 20 मीटर यह मध्य को 10 किलोमीटर पानी छाड़ी दिगला जलर ताल गभीरता केते लिटर उत्तर आयताकार पोखरी चटाणर क्षेत्रफल के चटाणर क्षेत्रफल 25 मीटर गुण 20 मीटर पानी आयतन के 10 किलोमीटर ये 10.00 पा रे 10,000/1000 घन मीटर तेल 10 घन मीटर स्थान में पा रहा बुझेगा अतः पोखर थे जलर घनफल तेल के पोखर जलटा तार घनफल के 10 घन मीटर जलर उच्चता है 10/25 × 20 कल है 10/50 जोड़ गला 20 सेंटीमीटर बुझे 12 नंबर प्रश्न गोटे घनाकार पानी टांगी भूमि दैर्घ्य 2 मीटर प्रस्त 2 मीटर और गभीरता 2 मीटर एथिरे पानी पूर्ण होइतिला हेउतिला एथिरे 6 किलोलीटर पानी करी दिया गला जलर गभीरता केते रहिला ताले उत्तर पानी टांगी घनफल 2 × 2 × 2 घन मीटर ताले 8 घन मीटर एथिरे पानी रहइब 8 × 1000 लीटर इक्वल टू 8000 लीटर एथिरु पानी 6 किलोमीटर इक्वल टू 6000 लीटर बाहर आउ रहा कैसे 8000 − 6000 लीटर इक्वल टू 2000 लीटर 8000 लीटर पानी गभीरता 2 मीटर 2000 लीटर पानी गभीरता 2/4 मीटर इक्वल टू 1/2 मीटर जोटा कौन हो गला 50 सेंटीमीटर। 13 नंबर प्रश्न गोटे आयतन आयता घनाकार पाकुंडर भीतर पाखर दैर्घ्य 6 डेसीमीटर प्रस्त 5 डेसीमीटर और गभीरता 8 डेसीमीटर एथिरे केते लिटर जल ताले रहीपर उत्तर आयत घनाकार पाकुंडर घनफल 6 × 5 सेंटीमीटर तेज 240 घन सेंटीमीटर 1 घन डेसीमीटर स्थान 1 लिटर पा रहीपे अतः पाकुंडर जल के 240 लिटर। 10 नंबर 5 लिटर लंब और 5 मीटर ओसार गोटे बर क्षेत्र में परिसीमा को लग बाहर पटे 2.5 मीटर ओसार और 1 मीटर गभीरता एक नाल खोल जा सबुतक मटी उक्त क्षेत्र में समतल कर पकई दिगला मटी गदार उच्चता केला ताले उत्तर भीतर आयत क्षेत्र दैर्घ्य 5 मीटर प्रस्त 5 मीटर नाल सह बाहर आयत क्षेत्र दैर्घ्य के 5 मीटर प्लस 2.5 + 2.5 मीटर 10 मीटर प्रस्त मध्य 10 मीटर अत ना चटाणर क्षेत्रफल के 10 × 10 − 5 × 5 75 वर्ग मीटर ना बाहरी मटीर आयतन के 75 × 1 घन मीटर 75 घन मीटर मटी
गदार भूमि क्षेत्रफल पाँच गुण पाँच वर्ग मीटर कालु पचिश वर्ग मीटर अत्य मटर उच्चता के पचस्तरी बै पचिश मीटर कड़े गला तीन मीटर पंदर नंबर एक घन मीटर एक लोह पिंड को पचास मीटर लंब और पचास मीटर उच्चार विशिष्ट लोह पिंड परिणत करागला उक्त लोह पिंड उच्चता के उत्तर लोह पिंड उच्चता एक घन मीटर बै पाँच गुण पाँच वर्ग मीटर तेज़ एक बै पचीस मीटर जोटा कि शहे बै पचीस सेंटीमीटर शहे बै पचीस सेंटीमीटर जोटा कि चार सेंटीमीटर।